ड्रग्स केस में जेल में बंद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को अभी तक जमानत नहीं मिली है। मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी पर खूब जिरह हुई, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। रिया और शौविक की तरफ से वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट के सामने सारे तर्क दिए, जबकि एनसीबी ने रिया और शौविक की जमानत अर्जी का विरोध किया है। कोर्ट में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का पक्ष रखते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कहा कि यह सिर्फ सुशांत से जुड़ा मामला नहीं है, यह अब एक ड्रग सिंडिकेट का केस है। सभी आपस में जुड़े हैं, अब तक गिरफ्तार किए गए सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह सब एक सिंडिकेट का हिस्सा है। सभी लगातार ड्रग्स की खरीदारी कर रहे थे। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि इस तरह के गुनाह हत्या से ज्यादा गंभीर है। रिया की जमानत में सबसे बड़ा पेच एनडीपीएस एक्ट की धारा 27A है। इस धारा में ड्रग्स की खरीदारी के लिए पैसों के लेन देन का मामला आता है। इसमें 10 साल तक कैद की सजा है, लिहाजा मामलों में जमानत नहीं मिलती। रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने मंगलवार को कोर्ट में यह साबित करना चाहा कि एनसीबी ने रिया पर यह धारा गलत तरीके से लगाई है, रिया के खिलाफ यह धारा बनती ही नहीं है। रिया चक्रवर्ती को 8 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था, तब से वह जेल में ही है। रिया की बेल के लिए बहस करते हुए वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ही खर्चों का ध्यान रखते थे। कोई सवाल ही नहीं उठता कि रिया सुशांत के ड्रग को फाइनेंस करे। रिया के ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा होने के आरोपों पर मान शिंदे ने कहा कि ये आरोप सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि 17 मार्च को रिया ने अपना क्रेडिट कार्ड सैमुअल मिरांडा को दिया था। उसने इसमें से 10,000 रुपये निकालकर प्रतिबंधित दवाएं खरीदी थी। उन्होंने कहा कि रिया के कार्ड से कभी किसी ड्रग पेडलर को सीधे पैसे नहीं गए, इसलिए उनका ड्रग नेक्सस से कनेक्शन जोड़ना गलत है। मान शिंदे ने कोर्ट से कहा कि सुशांत के पास पैसों की कमी नहीं थी, फिर ऐसे में आखिर रिया क्यों उनके ड्रग्स के लिए पैसे देंगी, यह सोचने वाली बात है। मान शिंदे ने कोर्ट में तर्क रखते हुए यह भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत और रिया अप्रैल 2019 से रिलेशन में आए हैं, जबकि सुशांत इससे पहले से ही ड्रग्स ले रहे हैं। यह बात उनकी को स्टार सारा अली खान और श्रद्धा कपूर ने भी एनसीबी के सामने कबूल की है। इस पूरे मामले में एक सुशांत ही थे जो ड्रग्स लेते थे। दूसरी ओर एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह ने कोर्ट से कहा कि रिया और शौविक को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये दोनों ही ड्रग सिंडिकेट के एक्टिव मेंबर हैं। ड्रग रैकेट की जांच अभी जारी है, ऐसे में यदि ये दोनों जेल से बाहर निकलते हैं तो केस को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।